शुक्रवार को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई थी, जो फिर इतनी बढ़ गई कि उसने आज एक प्रदर्शन का रूप ले लिया है। जहां दिल्ली के वकील अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस भी अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है। वकील और पुलिस वालों के बीच आम झड़प ने इतना बड़ा रुख ले लिया कि आज दिल्ली में हर जगह वकीलों और पुलिस वालों की रैलियां निकल रही हैं और धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें वो लोग अपनी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जहां वकील अपनी सुरक्षा की बात पुलिस वालों की वजह से कर रही है, तो वहीं पुलिस वाले अपनी सुरक्षा की बात वकीलों की वजह से कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में पुलिस वालों ने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को अपनी पोस्ट को छोड़ने को कहा और उनकी जगह किरण बेदी को लाने को कहा है। पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने प्रदर्शनकारियों से बात करते हुए कहा, दिल्ली पुलिस हमेशा से चुनौतियां देखती आई है। हम हर परिस्थिति को हैंडल करते हैं। हम कानून के रखवाले हैं और इस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। न्यायिक जांच हो रही है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि साकेत कोर्ट और अन्य जगहों पर जो भी घटनाएं हुई हैं, इन्हें हम देखेंगे। न्यायिक जांच में भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए धैर्य रखें और ड्यूटी पर वापस जाएं। तो वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि वकील अपना प्रदर्शन छोड़कर काम पर वापस लौटें। इस तरह के प्रदर्शन से संस्थान का नाम खराब हो रहा है। संस्थान की छवि को दागदार करने वालों को हटाया जाए। ये बार काउंसिलों की सहनशीलता और कर्मण्यता है जो इस तरह के वकीलों को बढ़ावा दे रही है। पुलिस वालों से मारपीट जैसी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसे सहन नहीं करेंगे। बहरहाल इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि संविधान के दो अहम स्तंभ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।